गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लवर्स। सो गाइस आज मैं आपके लिए DIY फेस पैक लेके आई हूँ। गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की यूज़ होगी जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे। गाइस इस फेस पैक को बनाने से आपके जो फेस पे जो पोर्स हैं वो भी क्लोजअप होंगे और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन को गाइस ये DIY फेस पैक आपकी स्किन को हेल्दी भी करेगा। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक बाउल लेना होगा और उसमें आपको एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालना होगा। सो गाइस यहाँ पर मैं एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रहा रही हूँ। आपकी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना है, मैंने सिर्फ अपने फेस पे ही अप्लाई करना है, तो मैं सिर्फ एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। तो गाइस इसमें आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ करनी होगी, या तो आप घर का बनाए हुए एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं पतंजलि की एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। गाइस मैं हरी वाली यूज़ कर रही हूँ। आप येलो वाली भी ले सकते हो, कोई भी जो आपको सूट करती हो। और हाँ गाइस इसे यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लिया करो यार, कि ये लोगों को रिएक्शंस वगैरह होते हो। गाइस इसे अच्छे से अपनी उंगली की हेल्प से ही इसे मिक्स कर लो और इसे अपने फेस पे इस तरह का पेस्ट बना के अपने फेस पे इसे अप्लाई करना है। गाइस एलोवेरा में विटामिन सी और ई होता है, इससे क्या होता है कि हमारे फेस पे गाइस ये हेल्दी भी करता है और हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। गाइस एलोवेरा अगर हम जो घर पे प्लांट होते हैं, अगर गाइस अगर हम उसे डेली भी यूज़ करेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तो गाइस ये हमारे फेस पे एक मॉइस्चराइज भी करता है और हमारे फेस को इंस्टेंट ग्लो भी देता है। गाइस इसमें हमने कॉफ़ी ऐड की है। गाइस कॉफ़ी हमारे फेस को एक एज अ स्क्रब भी हम इसे यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कॉफ़ी हमारे फेस के लिए गाइस बहुत ही अच्छी होती है। गाइस ये हमारे फेस पे जो डेड स्किन है उसे भी रिमूव करती है और हमारे फेस को ग्लोइंग भी करती है। गाइस अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं तो आप ये अगर इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो गाइस ये उसे भी रिंकल्स को भी रिमूव करेगी और हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी देगी। यार कोई भी फेस पैक एकदम से तो मतलब हमें रिजल्ट नहीं देता है गाइस, अगर हम इसे डेली यूज़ करेंगे तो यार हमारे फेस पे डेफिनेटली रिजल्ट देगा। तो गाइस इसे आप जरूर ट्राई करना। गाइस जब भी आप कोई भी फेस पैक यूज़ करते हो तो गाइस जो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करना, इससे क्या होता है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। गाइस मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे। गाइस इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूंगी। गाइस इस फेस पैक को लगे हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गई है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल, थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ पे लेनी है जितनी आपको चाहिए। इसे अच्छे से ऐसे रब करके अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। गाइस अप्लाई करके अपने फेस पे मसाज करनी है। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ, ऊपर माथे पर ठीक हो रहा है। गाइस 2 से 3 मिनट आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करनी है। गाइस ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया, यहाँ पे थोड़ा ठीक के लिए पानी से साफ हो जाएगा। गाइस आपको 2 से 3 मिनट ऐसे रहने दो, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। गाइस आप मैंने अपना फेस कर लिया है वॉश, तो गाइस आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे इसने कितना सा फ्रेश सा ग्लो दिया है।
गाइस ये फेस पैक आपकी स्किन को हेल्दी तो रखता ही है बल्कि आपकी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो भी देता है। गाइस आपकी स्किन में ये टाइटन भी करता है और ब्राइटन भी करता है। सो गाइस इसमें तो सिर्फ आपको यार दो ही इंग्रेडिएंट की यूज़ होगी और आपको ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही रिजल्ट दे देगा। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।